आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टी कैप फंड की। मल्टी कैप फंड अपना मिनिमम एलोकेशन 25% ईच रखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, और बाकी का 25% एलोकेशन एज पर मार्केट कंडीशंस फंड मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड में किसी भी तरह का सेक्टर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से फंड मैनेजर्स किसी भी सेक्टर में अपना एलोकेशन कर सकते हैं। आज हम आपको निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी स्क्रॉल करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट तभी कंसिडर करनी चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स हो। सबसे पहले निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। फंड का इंसेप्शन मार्च 2005 में हुआ था और फंड ने तब से लेकर अब तक ऑन एन एवरेज 17.27% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने एक साल में 16.53%, 3 साल में 22.27% और 5 साल में 13.49% के रिटर्न्स दिए हैं, वाइल आउट परफॉर्मिंग इट्स बेंचमार्क विच इज निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI। इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन में मेजॉरिटी एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं एट 42.5%, मिड कैप में 26.32% और स्मॉल कैप में 28.8%। अब निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं। स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं और सबसे ज्यादा एलोकेशन लिंडे इंडिया में है एट 4.68%, HDFC बैंक में 4.5% और L&T में 4.07% है। इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 36.05% है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के एसेट्स 14 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 25.63%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, जिनकी वेटेज 59.13% है। इस फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 3.48 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.26 है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM एज ऑफ 31st August 2022 13,224 करोड़ था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.91% है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ की होनी चाहिए, एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर शैलेश राजभान और मिस्टर आशुतोष भार्गव हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट कोड लगेगा। अगर आप अपने 10% से ज्यादा यूनिट्स को 365 डेज के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप अपनी यूनिट्स को एक साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपनी यूनिट्स को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 lakh rupees से ज्यादा होंगे। तो ये तो था निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के फीचर्स के बारे में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करे तो और देर मत करिए। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zedfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Zed Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.